स्वराज ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिला के पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में और उनको बरी कर दिया। लोकसभा सदस्यता को लेकर के अब कोई आगे? अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे, इसके लिए उन्हें बधाई। ऐसे कौन से तर्क थे जिसको कि कोर्ट ने माना, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो सजा सुनाई थी? जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। सुनवाई इसके अलावा 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे किन किन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है, और पत्रावली पे जो भी गवाह आए हैं प्रोसिक्यूशन, उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला। आप लोगों ने क्या दलील दी थी कि कोई किस केस में उनको जो है बरी कर दिया गया? उसके बाद जो उस जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस, उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गुमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गुमेंट्स को सुना है, और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया। नाम बता दें।